लवलीज वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन, जहां पर होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर सो दैट यू कुड गेट बेटर स्किन एट होम। आपको सैलून जाने की जरूरत ना पड़े, आपको बहुत ही ज्यादा पैसे खर्चने की नीड नहीं है। बिकॉज आई ऑलवेज से कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को जान लेते हैं कि आपकी स्किन को किन प्रोडक्ट्स की नीड है, तो यू कुड डेफिनेटली गेट अ गुड स्किन एट होम बाय जस्ट यूजिंग नॉर्मल प्रोडक्ट्स इन योर डेली रूटीन। आपको ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट आप प्रोडक्ट्स देख लीजिए कि आपकी स्किन को कौन से सूट करने वाले, आपकी स्किन पे कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन से प्रोडक्ट्स वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर द प्रॉब्लम्स टू कम ऑन योर स्किन। वेट मत कीजिए कि आपके फेस पर रिंकल आए, वेट मत कीजिए कि आपके फेस पर ब्लेमिशेस आए। यूज सम थिंग्स जो आपकी स्किन को इन सब से हमेशा बचा कर रखे। दिस इज द आई थिंक द बेस्ट वे टू मेक योर स्किन बेटर, यंगर लुकिंग एंड ऑल द गुड थिंग्स इन योर स्किन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है स्किन केयर सीरीज से रिलेटेड। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग स्किन केयर सीरीज मिल जाएंगी, जिसमें एक सीरीज स्किन केयर सीरीज की भी है, बाकी क्रीम सीरीज मिल जाएगी, क्लिनजिंग सीरीज मिल जाएगी। तो अगर आप फेस वॉश सर्च कर रहे हैं, क्लिनजिंग सीरीज को सर्च कर लीजिए, क्रीम को सर्च करें, क्रीम सीरीज को सर्च कर लीजिए, और स्किन केयर में कुछ देखना चाहते हैं तो सीरम्स वहाँ पे स्किन केयर सीरीज में आपको काफ़ी मिल जाएंगे, एंड इवन सम जेल्स विच वर्क ग्रेट फॉर योर स्किन। तो बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, दिस इज फ्रॉम मॉम एंड वर्ल्ड, रेडियंट बूस्ट ब्राइटनिंग विटामिन सी एंड रोज। भाई हम सबको ब्राइटनिंग चाहिए। बाय द वर्ड ब्राइटनिंग मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर हूँ, ब्राइटनिंग से ये मतलब नहीं है कि अगर आप मीडियम कम्प्लेक्शन के हैं तो आप फेयर कम्प्लेक्शन में ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज देयर इज नथिंग लाइक दैट, कुछ भी मैजिक जैसा काम नहीं करने वाला है। ब्राइटनिंग से मतलब है जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो निखरने वाला है, इन अ काइंड ऑफ ग्लो, विद इन काइंड ऑफ ग्लो आपकी स्किन पे नजर आने वाला है, आपकी जो स्किन है इवन टोन रहेगी, आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बा नहीं होगा, आपकी स्किन निखरी हुई नजर आने वाली है बाय ब्राइटनिंग। एक्चुअली दिस वर्ड मीन्स लाइक दिस। तो आपको उसी यही सोच के साथ प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए कि आपकी जो स्किन है उसको ब्यूटीफुल बनाने वाला है, इवन टोन बनाने वाला है, निखारने वाला है, बेदाग त्वचा देने वाला है। तो दिस अ ब्राइटनिंग विटामिन सी एंड रोज फेस ऑयल। तो ये आपकी ब्राइटनिंग पे काम करता है, और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो है विटामिन सी एंड रोज, दो इट इज हैविंग मच मोर ग्रेट इंग्रेडिएंट्स। और जितने भी इन्होंने एक्सट्रैक्ट्स या फिर कुछ यूज किए हैं वो सारे कोल्ड प्रेस्ड यूज किए हैं। दैट इज व्हाई आई गॉट अट्रैक्टेड टू दिस प्रोडक्ट। और ये उतना भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है जैसे कुछ फेस सीरम्स होते हैं, दिस इज नॉट दैट मच कॉस्टली, और थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाता है इस सीरम पर, तो और भी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है ये सीरम एज कम्पेयर टू अदर्स। बात कर लेते हैं इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स की, जो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि यही इंग्रेडिएंट्स है जो अट्रैक्ट करते हैं और आपको मजबूर करते हैं चीज लेने पर कि भाई ये चीज हमारी स्किन के लिए अच्छी तरीके से काम करेगी। तो फटाफट से देख लेते हैं वो कौन कौन से यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। तो इसमें आपको मिलता है ऑरेंज पील ऑयल, सब जानते हैं कि ऑरेंज पाउडर यूज किया जाता है फॉर ब्राइटनिंग, अपने डार्क स्पॉट्स को फेड करने के लिए। तो ऑरेंज कितना इंपॉर्टेंट है आपकी ब्राइटनिंग के लिए। साथ ही साथ आपको लेमन पील ऑयल भी मिलता है, सनफ्लावर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिलता है, सी बकथॉर्न कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिलता है, स्वीट आलमंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिलता है, रोजा कैनिना फ्रूट ऑयल वो भी कोल्ड प्रेस्ड मिलता है, गोल्डन वर्जन होहोबा कोल्ड प्रेस्ड मिलता है, विटामिन सी विटामिन ई ग्रेप सीड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। तो इसमें जितने भी ऑयल्स यूज किए गए हैं वो सारे ही कोल्ड प्रेस्ड हैं। कोल्ड प्रेस्ड से मतलब होता है दे आर रियल, दे आर हैविंग मच मोर एंटीऑक्सीडेंट्स, दे विल वर्क मच मोर ग्रेटली ऑन योर स्किन। तो जिसमें कोल्ड प्रेस्ड चीज यूज की गई है वो प्रोडक्ट डेफिनेटली आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाला है। तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऑयल्स यूज किए गए हैं वो सारे कोल्ड प्रेस्ड है। दैट इज वन ऑफ द थिंग विच अट्रैक्टेड मी द मोस्ट। और साथ ही साथ हम लोग इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, इसमें आपको मिलती है 25 ml ऑफ क्वांटिटी, प्राइस है इसका ₹599, विच इज टोटली अफोर्डेबल अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोल्ड प्रेस्ड, अगर हम लोग नॉर्मल कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेते हैं तो वो बॉटल कितनी महंगी आती है, या फिर कोई भी ऑलिव ले लेते हैं कोल्ड प्रेस्ड, कोई भी अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल परचेज कर रहे हैं तो उनका प्राइस डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो आपकी स्किन की ब्राइटनिंग में, आपकी स्किन को निखारने में, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में, आपकी फाइन लाइंस पे, आपकी रिंकल्स पे, आपके अनइवन स्किन टोन पे,
ऑल इन ऑल कह सकते हो आपको एक फुल स्किन केयर प्रोवाइड करेगा। और मुझे ऐसे ही प्रोडक्ट्स पसंद है। ऐसा नहीं है कि रिंकल्स के लिए आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो, ब्लेमिशेस के लिए एक प्रोडक्ट ले रहे हो, गोरे होने के लिए एक प्रोडक्ट ले रहे हो। एक प्रोडक्ट जो आपको कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपकी स्किन को एक फुल केयर प्रोवाइड कर रहा है, दैट टू अंडर 600, क्योंकि इसका प्राइस 599 है ना, एक रुपया तो बचता है भाई, तो वो आपको इतना बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली इट बिकम्स अ ग्रेट प्रोडक्ट विदाउट एनी डाउट। तो आपको इसमें कुछ भी आई डोंट थिंक कि सोचने की जरूरत है बिफोर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज क्रुएलिटी फ्री, नो पैराबेंस, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन। अब आप बता दीजिए इसमें अब क्या ऐसी चीज रहेगी कि भाई कोई बंदा अट्रैक्ट ना हो। इसमें कुछ भी हार्मफुल चीज है ही नहीं। कोल्ड प्रेस चीजें इसमें यूज की गई है, बहुत ही सारी नेचुरल चीजें यूज की गई हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। तो अगर आप किसी भी स्किन टाइप के हैं, इवन सेंसिटिव स्किन टाइप के, तब भी आप इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जा सकते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग नन ऑफ द हार्मफुल थिंग्स इन इट। तो साथ ही साथ ये जो है, इट ब्राइटन्स एंड रिवाइटलाइजेस एंड इवन टोन एंड टेक्सचर। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके अनइवन अगर स्किन टोन है, कहीं पे ज्यादा गोरा है, सही पे थोड़ा सा डार्क है, तो उसको इवन आउट करेगा। मॉइस्चराइजेस एंड प्रोटेक्ट स्किन एंड रिस्टोर्स इट नेचुरल ग्लो, जो कि विद एज आपकी स्किन का नेचुरल ग्लो कम होता जाता है, उस ग्लो को मेंटेन करके रखेगा। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि जो भी ऑयल्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, सनफ्लावर, होबा, ये सब, दीज ऑल आर लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। इन सब में बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपकी स्किन को फाइट करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम फ्री रेडिकल्स और डैमेज एंड फाइट्स द साइन ऑफ एजिंग ऑल्सो। और साथ ही साथ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो कोई भी इसमें सोचने विचारने की बात रह नहीं जाती, सभी स्किन टाइप्स के लिए है। ब्राइटन अप भी करेगा, इवन टोन भी करेगा, दाग धब्बों को हटाएगा, आपकी एज प्रॉब्लम्स पर भी काम करने वाला है। साथ ही साथ नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल और क्रुएलिटी फ्री भी है, साथ ही साथ अफोर्डेबल भी है, साथ ही साथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। फटाफट से देख लेते हैं हम इसकी इनर पैकेजिंग, क्योंकि इसके बारे में मैंने जितनी डिटेल शेयर करनी थी वो मैं आपके साथ कर चुकी हूँ। इस तरह की आपको बॉटल मिलती है, विच इज़ अ ग्लास बॉटल, वाइट इन कलर, टोटल क्लासी पैकेजिंग है इनकी। 25 ml ऑफ प्रोडक्ट आपको इसमें मिलता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, रेडियंट बूस्ट फेस ऑयल। तो इस तरह से आपको ये बॉटल मिलती है, ये ड्रॉपर है इसका मिलता है, एंड यू हैव टू पंप लाइक दिस। इस तरह से ये ड्रॉपर काम करता है। तो आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है आप ले लीजिए, एंड आफ्टर दैट जस्ट आप, तो ये टोटली वाटरी जैसा टेक्सचर है, उस तरह से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हैवी है, आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा हैवी लगने वाला है। और इट इसकी जो फ्रेग्रेंस है, रोज मिक्स्ड सिट्रसी, क्योंकि इट इज़ नॉट हैविंग जस्ट वन इंग्रेडिएंट, इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कई सारे मैं कहूँगी बहुमूल्य वैल्यूएबल ऑयल्स यूज़ किए गए हैं जो हमारी स्किन पर वंडर्स काम करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज़ हैविंग सिट्रसी रोजी फ्रेग्रेंस, कुछ मिक्स टाइप की फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनिक टाइप फील देता है आपको। साथ ही साथ पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्लासी है, दिस इज नॉट दैट ओल्ड ड्रॉपर लाइक दैट यू हैव टू स्क्वीज इट एंड देन टेक द अमाउंट। बहुत ही अच्छा क्लासी सा ड्रॉपर है, क्लासी सी बॉटल है, अफोर्डेबल है, सारी प्रॉब्लम्स पे काम करेगा। सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर एनी स्किन केयर प्रोडक्ट जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स पर काम करे, तो यू कुड डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से थम्स अप है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। सो विदाउट एनी डाउट आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो, मैं फटाफट से ही रिप्लाई कर देती हूँ ताकि आप लोग फटाफट से परचेज भी कर सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।